नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इटालियन पास्ता की रेसिपी बना के दिखा रहा हूँ। मेरी एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई थी, आप कृपा करके मुझे बोला था उन्होंने कि आप कृपा करके मुझे बनाना सिखाएं, उनको अपनी वाइफ के लिए बनाना था। अभी ये पीरियड लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो थोड़ा सा मैंने इंग्रीडियंट्स लिए हैं वो थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड में घर पे थे, पाउडर फॉर्म में लिए हैं, बाकी आप फ्रेश भी ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक पैन में वो ले लिया, पानी ले लिया है। अब आप सब देख ही सकते हैं, इस पानी को हमें इतना बॉईल करना है ताकि इसके जो वो आते हैं बुलबुले वो आ जाएं। आप देख ही सकते हैं बुलबुले हमारे। अब हम सबसे पहले हमने अब इसमें नमक डालना है। देखिए नमक डाल रहे हैं अब हम इसमें। अब इसको भी ये देखिए, इसमें भी ऐसे हो रहा है जैसे कुछ आपने कुछ केमिकल डाल दिया, आपको लग ही रहा है। देखिए अब हम इसमें नमक डालना है थोड़ा सा और आधा चम्मच नमक कम से कम। देखिए अब इसको बॉइल नहीं करना है, मतलब बॉइल ही नहीं मतलब करके करना है। अब आपने बड़ा आधा कप वो लिया है मैक्रोनी। अभी देखिए मैक्रोनी हम डाल रहे हैं, डाल दिया हमने। अब हम इसको छोड़ देंगे एक दो मिनट के लिए पकने के लिए। जैसे ये पकी रहा है ये पकड़, इसको तो फैला देंगे वरना ये चिपक जाएगा नीचे। थोड़ा सा थोड़ा ऐसे ही लाता रहना। अब हम थोड़ा गैस धीरे कर देंगे, हमने वो रखी थी मीडियम फ्लेम, वरना ये पानी सारा बाहर गिर जाएगा। थोड़ा सा धीरे कर देते हैं हम इसको। आपको अगर ये पता करना है कि कितने मिनट बॉइल करना है, तो जो भी आप वो लेते हैं मैकरोनी, उसके पीछे पैकेट में लिखा होता है कि आपको कितने मिनट बॉइल करना है मैक्रोनी को। कहीं कहीं इसमें लिखा होता है कि 5 मिनट भी कर सकते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है 8 मिनट भी कर सकते हैं। देखिए हमें इसको बीच बीच में भी थोड़ा बहुत वो करना है, लाना है ताकि ये चिपके ना। अब देखिए थोड़ा हमें लाना है, लाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। देखिए जैसे आपको फोटो के द्वारा लगी रहा है, वीडियो के द्वारा कि ये मतलब लगभग तैयार हो चुकी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि मैक्रोनी अच्छे से पकी नहीं पकी। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको पहले थोड़ा सा ऐसे दबा के देख लें, कैसे दबा के देख लें, वरना इसको थोड़ा सा हम वो भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन है। देखिए हमने गैस ऑन कर दी है और इसमें हमने वो भी रख दी कढ़ाई। अब हम इसमें थोड़ा सा वो डालेंगे ऑलिव ऑयल, एक चम्मच बड़ा चम्मच हम ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं, और भी डालेंगे थोड़ा सा बस। हम ऑलिव ऑयल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इसको इटालियन की तरह बना रहे हैं। ये देखिए अब हम इसमें वो डालने जा रहे हैं, लहसुन डालने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको ब्राउन करेंगे मन्ना को। अब हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। ये देखिए हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें वो डालने जा रहे हैं मटर, थोड़े से हमने 50 ग्राम मटर लिए हैं। अब थोड़ी सी हमने छोटी वो लिए शिमला मिर्च लिए, अब हम इसमें शिमला मिर्च डालने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको वो करेंगे, सौटे करेंगे। अब हम थोड़ा सा वो भी डाल रहे हैं, पनीर डालेंगे। अब हम छोटे छोटे भी, ये भी 50 ग्राम के करीब लिए हमने पनीर। अब इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना। ये देखिए हमारे वेजिटेबल्स वो हो गए सॉटे। अब हम इसमें एक कप छोटा कप या छोटी कटोरी जैसे आप देख सकते हैं टमाटो प्यूरी डाल रहे हैं। ये बड़े साइज टमाटर भी लेके आप बना सकते हैं, मतलब छोटे भी से भी बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे आपको। अब देखिए अब इसको हमें पेस्ट की तरह भूनना है। अब हम भूनेंगे इसको। अब हम इसमें दो
छोटी मिर्च जो हमने उसको पीसेस में करा हुआ है अब वो डाल रहे हैं हम, बाद में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी इसको कच्ची रखनी थी। अब हम एक चीज क्यूब डाल रहे हैं, देखिए। अब हम इसमें आधी चम्मच ऑरिगेनो डाल रहे हैं, ऑरिगेनो आधी चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, उसमें अच्छा शो आएगा। आधी चम्मच से थोड़ा सा कम हम वो डालेंगे काली मिर्च, हम आधी से भी थोड़ी सी चम्मच हम वो अब वो डाल रहे हैं पुदीना का पाउडर, पुदीना इसमें अच्छा फ्लेवर देगा। अब हम इसमें चिली ऑरिगेनो वो डाल रहे हैं, सॉस डाल रहे हैं थोड़ी सी अभी डाल रहे हैं, अच्छी तरह से डालेंगे इसको, इसमें कंजूसी ना करें। अब हम इसमें टमाटो सॉस डालेंगे, उससे भी टेस्ट आएगा। अगर आपके पास रेड मिर्ची सॉस है तो वो भी डालें। अब हम इसमें ये भी डाल रहे हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा वो डालेंगे, पानी डालेंगे और उसके बाद नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इसको हिलाएंगे अच्छी तरह, अब हम इसको हिलाएंगे और इसके बाद जो हमने मैक्रोनी को बॉईल किया था वो डाल के इसको हम गर्मा गर्म परोसेंगे। अब हम इसमें वो डाल रहे हैं, मैक्रोनी डाल रहे हैं ये देखिए, और इसको अच्छी तरह से हिलाना है ताकि सारा मसाला जो हमने बनाया है उसके अंदर आ जाए। ये देखिए हमने इसको गर्मा गर्म परोस दिया है और मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा है। आप इसको अगर अच्छा और बनाना है तो उसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मगर हमने हरे धनिया इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि हम थोड़ा सा इटालियन बना रहे थे, इटालियन में हरा धनिया नहीं डालता, उसमें पुदीना या फिर दूसरे जो लीव्स होते हैं बेसल लीव्स वो डालते हैं, तो उससे से आप वो करें गार्निश। और ज़रूर बताइए कैसा लगा और मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।